Sadhguru Designer Wedding Collection, handpicked fabrics and premium brands. Sadhguru Store, Nagina Bagh, Ajmer. Jai Hind, main Lalit Khatri aur aaj hai 8 March. 8 March yani ki antarrashtriya mahila divas. Antarrashtriya mahila divas par vishwa bhar mein sabhi deshon mein chahe wo viksit ho chahe wo vikasshil ho sabhi deshon mein mahilaon se sambandhit muddon par charchaen ki jati hai. Ye mudde सार्वजनिक भी हो सकते हैं और ये मुद्दे आर्थिक भी हो सकते हैं. इसके साथ साथ महिलाओं की उन्नति को लेकर भी कई मुद्दों पर चर्चाएं की जाती हैं. अजमेर में एमटीटीवी इंडिया की कोशिश है कि अजमेर की प्रभावशाली महिलाएं जो कि समाज में एक विशेष स्थान रखती हैं और समाज के लिए कोई कार्य कर रही हैं ऐसी महिलाओं से अजमेर की जनता को रूबरू कराया जाए. इसी क्रम में अभी हम मौजूद हैं DPS स्कूल में और हमारे साथ मौजूद हैं DPS स्कूल के प्रिंसिपल. मैम से हम लोग बात करेंगे कि उनका कैसा रहा शिक्षा के क्षेत्र में, करी शुरुआत कैसे हुई और वो अजमेर की महिलाओं को बालिकाओं को क्या संदेश देना चाहती है. मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. मैम मैं सबसे पहले जो आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपका शिक्षा के क्षेत्र में आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने सोचा कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जाना है. देखिए सर, ऐसा था कि जब मैंने अपना PhD किया क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनूं और किसी हॉस्पिटल में मैं अपनी सेवाएं दूं. और इस तहत जो है अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन जो है बाय चांस एक वैकेंसी थी तब एक SST और साइकोलॉजी PGT की एक स्कूल में जयपुर के, और मैंने उनको एक हेल्प की ज़रूरत थी फॉर 6 मंथ्स क्योंकि मिड सेशन में शायद उनको ज़रूरत थी. और मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया और उसके बाद में जब मैंने ये देखा कि बच्चों का सेल्फलेस लव और जो एक प्यार है और कितना हम लोग बच्चों के लिए कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जब मैंने देखा तो उसके बाद में फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और मुझे यही लाइन पसंद आई. और फिर मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनूं किसी भी अस्पताल में, और तब से मैं एजुकेशन में ही हूं. और 2001 में मैंने शुरुआत की थी और आज तक मैं टिल डेट मैं एजुकेशन में ही हूं और मैं बहुत प्राउडली ये कह सकती हूं कि आई एम एन एकेडमिशियन एंड आई एम अ टीचर. मैम आपके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों को आप निर्वहन कर रही हैं, इसके अलावा आपके द्वारा और क्या ऐसी गतिविधियां हैं जो कि आपके माध्यम से चलाई जाती हैं या जिनका आप एक पार्ट हैं? देखिए जब हम एजुकेशन इंडस्ट्री में होते हैं तो ये ऑलरेडी एक गुड फॉर्च्यून है कि जहाँ हम बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. जैसे मैंने DPS ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड किसी पे ये प्रेशर नहीं होता है कि हम लोग स्पेशल चिल्ड्रन को लें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर स्पेशल चिल्ड्रन को भी लिया है और करीबन 7 to 8 स्पेशल चिल्ड्रन हैं मेरे स्कूल में. और सभी टीचर्स जो हैं वो सारे मदद करते हैं, हमने एक स्पेशल एडुकेटर भी अपॉइंट कर रखी है और उनकी मदद से हमने उन बच्चों को नॉर्मल स्ट्रीमलाइन में लाने की पूरी कोशिश की है और चिल्ड्रन आर डूइंग रियली वेल. मेरे पास में ऑटिस्टिक बच्चे हैं, डिसलेक्सिया से ग्रसित हैं, और उन बच्चों का जहाँ पर कहीं भी एडमिशन नहीं हो रहा था उन बच्चों को भी हमने लेकर और वहाँ पे भी हमने अचीवमेंट को हासिल किया है और इसीलिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला हुआ है फॉर द बेस्ट प्रिंसिपल. यस, सो प्रॉब्ली बिकॉज वी हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी. और ऐसे जो थोड़े से स्लो लर्नर्स हैं या मंद बुद्धि के जो बच्चे हैं उनको भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ पॉलिश कर दिया. हम उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, प्लेटफॉर्म्स देते हैं ताकि वो लोगों के सामने आए, उनमें इतना उनका मनोबल इतना बढ़े कि वो लोगों के साथ में जुड़ के और सोसाइटी में अपनी जगह बना सकें, उनको ये फील हो कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं. मैम शैक्षणिक गतिविधियों से आप खुद पर्सनली जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा आप और किन चीज़ों में आपकी रुचि और किन तरह से आप अलग अलग तरह से सोसाइटी की सेवा कर रही हैं या क्या और कर रही हैं आप? देखिए हम लोग जैसे हम बच्चों को ऑर्फनेजेस वगैरह से भी हम लोग जुड़े हुए हैं, ऑर्फनेजेस ले जाते हैं हम लोग जो ओल्ड एज होम्स हैं वहाँ पर हम लोग ले जाते हैं, वहाँ पर एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि हम लोग सोशल बच्चों को भी ग्रूम करें और हम लोग टीचर्स भी हम लोग जुड़े रहें. हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से भी अटैच्ड हैं जहाँ पर हम अपनी बुक्स जो है हर साल डोनेट करते हैं ताकि उन बच्चों को भी थोड़ा सा ये रहे कि हाँ भाई हम लोग बहुत कुछ उनके लिए कर रहे हैं. हमारे टीचर्स वहाँ पर जाते हैं, हमारे टीचर्स वहाँ पर इंडक्शन देते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं, तो उनको भी लगता है कि DPS के भी टीचर्स हमें पढ़ा सकते हैं.
तो जो भी हमारी नॉलेज है हम जिस भी तरीके से इम्पार्ट कर सकते हैं सोसाइटी को हम लोग कर रहे हैं। हम लोग रैलीज भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसमें हम लोग लोगों को एजुकेट करते हैं एक गर्ल एजुकेशन पर, या फिर नो क्रैकर्स, ठीक है। ऑफकोर्स हमने जो अभी एनुअल फंक्शन किया था कलत्र द वूमन, वो भी वुमेन पे ही बेस्ड था, जिसमें हमने एसिड अटैक और कई सारे सेंसिटिव इश्यूज़ को उठाया था और मासेस को एडुकेट किया था। MTTV का भी उसमें बहुत बड़ा रोल रहा था, वो लोग यहाँ पे मौजूद थे और बहुत अच्छा कवरेज उन्होंने दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग लोगों को कम से कम ये मैसेज पहुँचा रहे हैं। मैम, आपको शिक्षा के क्षेत्र में रहते हुए ऐसे कई मूवमेंट आए होंगे जब आप बहुत प्राउड हुआ होगा एज ए प्रिंसिपल या एज ए इस फील्ड में काम करते, कोई क्वेश्चन आप मूवमेंट शेयर करना चाहेंगे जब आपको बहुत प्राउड हुआ कि मैंने ये जो फील्ड है बहुत सही ऑप्ट किया? सर, जैसे मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया कि स्पेशल बच्चों को हम लोगों ने एक अलग से वेटेज दिया है और उन बच्चों को हम लोग नॉर्मल स्ट्रीमलाइन पे लाते हैं। सर देखिए, जब हम एजुकेशन में होते हैं तो इतने मैं आपको अनगिनत मोमेंट्स हैं ये, ठीक है, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि वो एक सेटिस्फैक्शन जब होता है, जब पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट है, तो वो एक सेटिस्फैक्शन का बयान मैं कर ही नहीं सकती शब्दों में, बिकॉज दैट इज़ समथिंग वेरी आउटस्टैंडिंग, राइट सर। तो हम लोग वैसे भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, और ये तो हम पर है कि हम किस तरीके से, चाहे हम कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हों चाहे हम टीचर्स हैं, तो ये तो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को, और हम अपने से 200% दे रहे हैं। दिस इज़ आई व्हाट आई नो। और बच्चे बहुत लविंग होते हैं, उनका सेल्फलेस लव होता है, और इसका एक्सपीरियंस तभी होता है जब आप एक टीचर होते हैं। जैसे अभी मेरे को काफ़ी साल हो चुके हैं, तो मैंने जब 2001-2002 को 11-12 के बच्चों को पढ़ाया था, तो वो अभी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे हमेशा फेसबुक पे कुछ नोटिफाई करते हैं। कई बार मैं उनकी फेस भी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि काफ़ी चेंजेस आ गए, लेकिन वो बोलते हैं कि मैडम, जब आपने मुझे जब ये समझाया था कि आई शुड बी डिसिप्लिनड, या आपने मुझे बताया था, मेरा टाइम टेबल बनाया था, ठीक है, तब मुझे ध्यान आता है कि यस व्हाट चेंजेस आई हैव ब्रॉट। तब हमें पता चलता है कि एज अ टीचर हम क्या कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों के जीवन में। हम लोग भले ही बैचेस के बैचेस हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो लोग हमें कभी भी नहीं भूल पाते हैं। मैम, अगर आप अभी जैसे शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं, अगर आप अभी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होते, एज अ प्रिंसिपल वर्क नहीं कर रहे होते, तो आप अभी कहाँ होते, कहाँ आप? सर, मैं सिर्फ और सिर्फ एज एन एकेडमिशियन ही अपने आप को देखती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, लेकिन मैंने अपना जो डाइवर्जन इस फील्ड में किया, तो मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि मुझे एक एकेडमिशियन और टीचर ही रहना है, और मैं अन समय तक भी मैं टीचर ही रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी द एकेडमिशियन। मैम, आपके बारे में सुना है कि आप मिस राजस्थान भी रह चुकी हैं, मिसेस राजस्थान भी रह चुकी हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर देखिए, अचीवमेंट किसी भी एज में हो सकता है, व्हाट आई फील इज, और अगर हम लोग रोल मॉडल हैं हमारे बच्चों के लिए, अगर हम जो अचीवमेंट्स करते हैं, मेरे आज बच्चे भी, मेरे स्टूडेंट्स भी, सब लोग बोलते हैं मुझे आके कि मैम आपका अचीवमेंट, तो वो भी एक प्राउड मोमेंट होता है उनके लिए। तो मिसेज राजस्थान या मिसेज इंडिया ग्लोबल एम्बेसडर जो मैं बनी, वो सिर्फ एक ब्यूटी पेजेंट नहीं है, वो एक सोशल एक्टिविस्ट, आप किस तरह से आप समाज के साथ में चल रहे हैं, कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आप कितनी कॉन्फिडेंट महिला हैं, ये सब कंट्रीब्यूट करता है उस पेजेंट को विन करने में। तो मैं एक बहुत ही एक वुमन विद अ सब्सटेंस वाली बात है, और मैं बहुत प्राउड फीलिंग है मेरे में कि यस आई हैव अचीव दिस पेजेंट और आई कैन बी अ रोल मॉडल फॉर सो मेनी वुमेन, कि वुमेन में बहुत टैलेंट्स हैं, बहुत पोटेंशियल्स हैं, और कई वुमेन अपने घर की चार दीवारी में रहती हैं, बाहर नहीं आ पाती हैं। तो मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि यस यू कैन कम आउट ऑफ योर हाउसेज, और आप कुछ भी अचीव कर सकती हैं जो आप चाहती हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम, आपके द्वारा, कि आपने जैसे काफी कुछ बताया बच्चों के लिए कर रहे हैं, स्पेशल चाइल्ड के लिए कर रहे हैं, इन फ्यूचर आपके द्वारा, आपकी संस्था के द्वारा अजमेर की बालिकाओं के लिए और क्या ऐसे कार्य है जो किए जाएंगे, किए जा सकते हैं? बालिकाओं के लिए हम वैसे ही कर रहे हैं, अभी भी हमने जो है फीस एग्जेम्पशन दिया है, एडमिशन फीस हमने एग्जेम्पशन दिया है लड़कियों के लिए, स्पेशली इस सीजन में, ठीक है। हमने जो कलत्र द वुमन किया था, हमारा एनुअल फंक्शन उसी पे बेस्ड था, और अभी जो है हमने इस सेशन से, हमने जो पिछला सेशन था मतलब 1920, हमने उसे एक कंपलसरी कराटे क्लब, गर्ल्स कराटे क्लब को लॉन्च किया है, जहां पर लड़कियों के लिए कंपलसरी है कराटे करना, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस है, और मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिस्टिंग क्राइम को देखकर लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो लड़कियाँ जो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, हम लोग उनको हमेशा प्रमोट करते रहते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं
कि हम लोग करें। हमने कई तरह की रैलीज भी गर्ल एजुकेशन पर ऑर्गेनाइज की हैं, तो गर्ल एजुकेशन के लिए हम लोग हमेशा आगे हैं। हम लोग उनको अभी भी एजुकेशन के लिए भी हमने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं एडमिशन में भी, कि हम लोग गर्ल्स को डेफिनेटली जो है ज़्यादा पसंद करेंगे कि वो हमारे स्कूल में आए, है ना। और उनके लिए कई तरह के ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी हमने एडमिशन में कर रखे हैं। यस डेफिनेटली मैम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आप अजमेर की बालिकाओं को, अजमेर की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बी एम्पावर्ड। कभी भी ये मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप में अगर डिटर्मिनेशन है और आप पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ के प्रति, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा सशक्त रखिए, ठीक है, और ना आप एक्सप्लॉयटेशन सहें और ना किसी को सहने दें, ये ज़रूरी है, राइट। धन्यवाद मैम, आपको बहुत बहुत इसका, थैंक यू सो मच ललित जी, पुनः एक बार आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ DPS स्कूल अजमेर की प्रिंसिपल मैम, और जैसा इनका संदेश है अजमेर की सभी महिलाओं के लिए, खुद को पहचाने, खुद आगे बढ़े। इसी के साथ MPTV इंडिया आपको और अजमेर जैसी प्रभावशाली महिलाओं से रूबरू कराता रहेगा, जिनका प्रभाव अजमेर पर, अजमेर के समाज पर है, जो अजमेर के लिए, अजमेर के समाज के लिए, अजमेर की जनता के किसी न किसी तरह से भागीदारी निभा रही है। जुड़े रहिए MPTV इंडिया।